रेजोनेंस के बारे में हम इतना तो कर चुके हैं कि वो सारे एलिमेंट जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या फिर लोन पेयर है, अगर किसी के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है या तो वो न्यूट्रल होगा या वो क्या होगा, केटायन। लेकिन अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है यानी लोन पेयर है, तो वो क्या होगा, या तो वो एनायन होगा या फिर वो भी क्या हो सकता है, न्यूट्रल। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो वो रेजोनेंस शो करेंगे। हमने ये सब कुछ करा है ना। तो आप आगे, हमारे पास अभी तक रेजोनेंस का एक बहुत अच्छा इफेक्ट चल रहा था, हमने लोन पेयर, एनायन, केटायन सब कुछ कर दिया है, ठीक है, बोरोन, नाइट्रोजन भी हमने कर दिया है। आ रही है बात समझ में? अब मैं किस तरफ जा रहा हूँ रेजोनेंस के कुछ स्पेशल पॉइंट्स को लेते हुए, जैसे रेजोनेंस विद डी ऑर्बिटल, तो हेडिंग डलेगा रेजोनेंस विद डी ऑर्बिटल, रेजोनेंस विद डी ऑर्बिटल, यहां हमारे पास रहेगा एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में क्या होगा, आप समझ रहे हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल को या हो या पी ऑर्बिटल हो, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट। तो सामने क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन रिच, लॉक कर दें। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल का मतलब है, लिखिए इसी के अंदर, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो व्हेन इट इज कॉन्जुगेट विद इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, देन रेजोनेंस टेक प्लेस, तो यहां रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो मान लीजिए ये हमारे पास माइनस है और इसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। क्या इन सबके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है? हाँ, देखिएगा, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इज दैट क्लियर? तो जब ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद रेजोनेंस होगा और वो रेजोनेंस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। कार्बन का जो ये एनायन है, यानी जो कार्बन पे एनायन का मतलब क्या है, लोन पेयर, अपने आप एक पी ऑर्बिटल में क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, यस और नो? ये सी एल, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, और इन सब के पास जो लोन पेयर था, इसके पास जो लोन पेयर है वो इस तरह से है, ये देखिए, और इनके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, पूरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो अब इस एम्प्टी ऑर्बिटल में इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, कभी ये इधर रहेगा, कभी ये इधर रहेगा और कभी ये इस तरफ रहेगा। तो ये हमारे पास एक तरह से क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया और हमने हाइब्रिड भी बना दिया, समझ में आ रहा है? तो जिसकी वजह से हाइब्रिड कैसा होगा, कार्बन पे हम बोल सकते हैं सी सी एल सी एल सी एल और डॉटेड 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 सभी पे माइनस डेल्टा चार्ज, कार्बन पे भी माइनस डेल्टा चार्ज, क्योंकि उसने अपना नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है, दिया नहीं है पूरी तरह से, कम किया है। तो जो माइनस चार्ज हुआ करता था वो क्या हो गया, माइनस डेल्टा, और पास वालों को भी माइनस माइनस माइनस, समझ में आ रही है बात? ये आदमी बहुत खुश है, इतना खुश है कि आसपास वालों को भी खुशी दे रहा है और खुद भी खुश है, ठीक है। तो वही हमारे साथ हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। और इस तरह के रेजोनेंस में को हम एक और नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, बैक बॉन्डिंग। तो की पॉइंट डलेगा साथ ही, अबाउ टाइप रेजोनेंस, अबाउ टाइप
रेजोनेंस, ऑल्सो नोन बाय बैक बॉन्डिंग। मैं इसको बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन में, उसके बाद भी बॉन्ड बन रहा है। किस किस के बीच में बन रहा है? क्लोरीन के एम टी डी ऑर्बिटल और कार्बन के लोन पेयर के बीच में कोऑर्डिनेट। तो मैं इसको बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूँ, तो हमारा पॉइंट यही हो रहा है, वाई आई से एज इट इज या इज वाई आई से इट इज ए बैक बॉन्डिंग। तो इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लेंगे, बैक बॉन्डिंग। भाई मैं क्यों कह रहा हूँ बैक बॉन्डिंग, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें इसको, बिकॉज ऑलरेडी ए बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एटम, आफ्टर दैट ए न्यू बॉन्ड जनरेट बिटवीन लोन पेयर ऑफ कार्बन एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो ये हमारे पास होगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना जनरली सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो बॉन्ड बॉन्ड रिपल्शन होगा और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा। सही है, क्या फ्लोरीन ये बैक बॉन्डिंग बना सकता है? नहीं। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि फ्लोरीन के पास एम टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। यहीं पर फ्लोरीन कैन नॉट जनरेट जनरेट बैक बॉन्डिंग इन अबव केस बिकॉज बिकॉज फ्लोरीन डू नॉट हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन एम्प्टी ऑर्बिटल लगता ही नहीं है। और दूसरी तरफ ब्रोमीन भी बैक बॉन्डिंग नहीं कर देगा इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के अंदर जो डी खाली है वो कौन सा है? इसके पास तो 3D था, उसके पास कौन सा है? 4D। तो इतना इफेक्टिव बैकबॉन्डिंग नहीं शो करेगा कि उसे कंसिडर किया जाए। ब्रोमीन नॉट शो इफेक्टिव बैकबॉन्डिंग, बीबी का मतलब बैकबॉन्डिंग, ड्यू टू बिग साइज ऑफ एम्प्टी 4D ऑर्बिटल। तो हमारे को यहां पर एक और पॉइंट है कि हम फ्लोरीन के लिए नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिजल्ट क्या रहेगा, फाइनल कंक्लूजन या रिजल्ट्स की अगर हम बात करें इस तरह के रेजोनेंस से, तो एक बहुत प्यारा रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है, और वो है, इस पे एक ही क्वेश्चन बन सकता है, विच इज मोर स्टेबल एनायन, CCl3- एंड CF3-। तो आंसर क्या जाएगा आपका, CF3- या CCl3-? CCl3-। बच्चे इसका आंसर गलत लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं?
क्योंकि वो इंडक्टिव से देंगे आंसर। तो आंसर क्या होगा? ड्यू टू रेजोनेंस। एक और है, फर्स्ट तो ये हो ही गया, विच इज मोर स्टेबल केटायन, केटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा? CCl3 प्लस CF3 प्लस, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्या यहां रेजोनेंस मिलेगा? नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और क्लोरीन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दोनों भिखारी हैं, कोई मतलब नहीं है। यहां पर भी दोनों भिखारी हैं, कोई मतलब नहीं है। रेजोनेंस हमेशा डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में होता है। समझ में आ रही है बात? तो इस हिसाब से यहां आंसर जाएगा कौन ज्यादा स्टेबल आयन है, केटायन है, तो भी CCl3 प्लस। क्यों? एक तो हमारे लिए कोई ऐसा रेजोनेंस का मतलब नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि CCl3 में Cl का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज लेस। हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे जब आंसर रेजोनेंस से नहीं जा रहा हो, रेजोनेंस है ही नहीं, दोनों में ही नहीं है। हाँ, अगर एक में रेजोनेंस होता और दूसरे में नहीं होता तो हम आंसर किससे देते हैं? रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। लेकिन जब दोनों में ही नहीं है तो आपको आंसर किससे देना है? इससे, किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। हमने दो इफेक्ट पढ़ लिए, इंडक्टिव और दूसरा रेजोनेंस। बोलो यस और नो, लिख लें इसको जल्दी से।